आज आपकी एक बार फिर आवश्यकता है महादेव। देखती हूँ शक्ति की इस लड़ाई में आप मेरा साथ देने आते हैं या मुझे अकेला छोड़ते हैं महादेव। तो वायुमणि का निर्माण हो रहा है, ये जल्दी से प्रकट हो तो इसे लेकर चली जाऊं मैं यहाँ से। अब वायुमणि प्रकट होने वाली है, उसे लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करें असुरराज, यदि उससे पहले सदा की भांति बाल शिव आ गए तो। आएगा तो मरेगा वो, मेरे द्वारा निर्मित विनाशकारी बवंडर में फंसकर मरेगा वो। ये यहाँ कहाँ से आ गया? इसके मंदिर पहुँचने से पहले अजामुखी को वो मणि लेकर यहाँ आ जाना चाहिए, अन्यथा मेरी यही योजना भी असफल हो जाएगी। सूर्य आतंक है, पहले मुझे इस चक्रवात को रोकना होगा। बस माता, पूजा पूर्ण होने वाली है। माता, पूजा संपन्न हुई। हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। शिव, अच्छा हुआ आप आ गए, अन्यथा ये विनाशकारी बवंडर मंदिर को क्षति पहुंचा सकता था। मंदिर तो क्षतिग्रस्त होने से बच गया, किंतु वायु तत्व की शक्ति को मैं चोरी होने से नहीं बचा सका। असुर तत्वों ने उसे चुरा लिया। अब क्या होगा? मुझे दुख है कि मैं विलंब से पहुंचा। यदि तनिक पहले आ गया होता तो। मनी चोरी हो जाने की दोषी मैं हूं, और अपने उस अपराध के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है मित्र। है, यदि मैं आपको अपने साथ ले आती तो मनी चोरी नहीं होती, परंतु मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। मित्र, एक बार आपने मुझसे कहा था कि जगत कल्याण के लिए अपने मन के विपरीत भी कार्य करना पड़ता है, इसलिए पंच महाभूतों के अन्य 4 मंदिरों में मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए मित्र। अब यहाँ से शीघ्र निकल के जाने में ही भलाई है। वो मंदिर आपके महादेव रूप के ही हैं। उनका निर्माण आपने स्वयं किया है। उनके निर्माण में मेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए मुझे अनुमति देने या ना देने का कोई अधिकार नहीं। आना और जाना आपकी इच्छा पर निर्भर है, मेरी अनुमति पर नहीं।